करीब 4 दिन पहले धर्मिंदर को साउथ मुंबई के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया है। ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके बेटे सनी देओल आज उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और उनके साथ समय भी बिताया। एक सूत्र ने बिट्टी को बताया कि धर्मिंदर पहले से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो लगातार डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे और उम्मीद है कि कुछ दिन और अस्पताल में रहेंगे। हालांकि अभी तक दिग्गज अभिनेता के स्वास्थ्य पर कोई अपडेट नहीं आया है। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में धर्मिंदर ने अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो कोविड के टीके की डोज लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि दोस्तों, विनम अनुरोध, कृपया बूस्टर ले। दूसरों के बीच उनकी बेटी ईशा देओल ने कमेंट किया था, लव यू पापा जी। पिछले साल नवंबर में धर्मिंदर ने सोशल मीडिया पेज पर अपनी रोंकी और रानी की प्रेम कहानी टीम की एक तस्वीर शेयर की थी। फोटो में उनके साथ शबाना आजमी, आलिया भट्ट, रणवीर और निर्देशक करण जौहर थे। तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा था, दोस्तों प्यार मोहब्बत इज्जत इतनी मिली सबसे, पता ही नहीं चला मैं नई यूनिट के साथ काम कर रहा हूँ। वर्क फ्रंट की बात करें तो धर्मिंदर साल 2007 में आई फिल्म अपने के सीक्वल में नजर आएंगे। फिल्म के लिए वो अपने दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ फिर से नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग फिलहाल चल रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म में उनके साथ उनके पोते करण देओल भी नजर आएंगे। इसके अलावा धर्मिंदर रोंकी और रानी की प्रेम कहानी का भी हिस्सा है। आपको बता दें कि इस फिल्म में आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, जया बच्चन और शबाना आजमी भी हैं। जया के साथ धर्मेंद्र 48 साल पहले आखिरी बार फिल्म साल 1975 में आई शोले में नजर आए थे। ये फिल्म फरवरी 2023 में रिलीज की जाएगी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.